अस्सलाम अलैकुम दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स और मोटो इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम गोहर साइंस क्लास फाइव का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आज हम इसमें सॉइल का कंसेप्ट पढ़ेंगे और सीखेंगे सॉइल की टाइप्स के बारे में चलें। अब मैं आपको क्रेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ सॉइल के ठीक है सॉइल का टेक्सचर देखते हैं सॉइल का मयरेबल टेक्सचर जो होता है देर इज अयर ऑफ वेयर देयर द सॉइल इज मोर लाइक सैंड स्लेट और क्ले मोर लाइक सैंड सॉइल इज लेस अगर कोई सॉइल सैंड से मिलती जुलती है तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती अगर कोई सॉइल क्ले से मिलती जुलती है तो उसके अंदर ज्यादा पानी होगा सैंड फील्स रफ बट क्ले फील्स स्मूथ इस वजह से हमारी क्ले मोस्टी होती है जबकि स्लिट इन दोनों के बिटवीन होती है चलिए आपने टेक्सचर ऑफ सॉइल के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपने सैंपल्स ऑफ क्ले स्लिट सैंडी सॉइल लेने हैं Pick up a pinch of soil अगर कोई सॉइल ग्रे कलर की है इसका मतलब उसके अंदर क्वार्स के कम्पाउंड मौजूद है अगर कोई सॉइल ग्रीन कलर की है इसका मतलब उसके अंदर पोटेशियम ज्यादा है अगर कोई सॉइल ब्लैक कलर की है इसका मतलब उसके अंदर मैग्नीस बहुत ज्यादा है अगर कोई सॉइल डार्क ब्राउन कलर की है इसका मतलब उसके अंदर ह्यूमस ज्यादा है और जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस ज्यादा होता है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है अब आप पेज नंबर वन हंड्रेड सिक्स पर देखें आपने

देखा कितने मजे की इंफॉर्मेशन है ना सोइल के बारे में आप इतना कुछ तो नहीं जानते थे इस चैप्टर को पढ़ के आप अब सॉइल के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और इन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से रिकॉल करना है जब तक मैं एक न्यू लेसन के साथ आपके सामने वापस आऊंगी टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ पीपल अराउंड यू अल्लाह हाफिज